काम करना है उसी तरह हमने विंडो में नोटपैड को सर्च करना है, नोटपैड प्लस प्लस ये नीचे सर्च कर दिए, कोडिंग स्टार्ट करनी है। कल हमने देखा टेक्स्ट को कैसे ऐड करते हैं, इमेज को कैसे ऐड करते हैं, ये सारा कंटेंट होता है ना किसी भी वेबसाइट का। आज हम देखेंगे वीडियो को कैसे ऐड करते हैं। हमने HTML लगाया, HTML क्लोज किया, ठीक है। अच्छा, कुछ ऐसे बच्चे वो हैंड रेज कर दें जिनका कल वाला काम नहीं हुआ या उनको कल समझ नहीं आई, सच्चाई से बता दें मुझे, ठीक है। बेशक समझ नहीं आया कोई इशू नहीं, हैंड रेज कर दें कि सर आपने जो पढ़ाया कल बिल्कुल भी समझ नहीं आया। सर समझ तो आ गया था लेकिन देखा YouTube से ऐसा उसे देख वो कोई इशू नहीं, मतलब कर किया ना काम तो हुआ ना आपका। जी सर काम हो गया। हैंड रेज कर दें कि सर हमें नहीं समझ आया, हैंड रेज कर दें। समझ तो आया लेकिन हुआ नहीं रहा। क्या नहीं हुआ आपसे, वीडियो नहीं लगी, ऑडियो नहीं लगी या टेक्स्ट नहीं लगाना आया आपको? वो भी ऑडियो नहीं लग रही और ना ही वीडियो, वो चल नहीं रही, वो टाइमिंग जो होती है ना वो नहीं आ रही। बस बाकी इमेज आपकी लग गई या टेक्स्ट आपको लिखना आ गया, उसमें हेडिंग वगैरह लगानी आ गई? जी वो तो आ गई है। बस ठीक है, चले आज हम देखते हैं वीडियो को कैसे लगाना है, ऑडियो को कैसे लगाना है, और भी कुछ चीजें हम आज पढ़ते हैं। सर जी मेरा जबार आप बात कर रहे हैं? नहीं सर जी, मैं आशिर बात कर रहा हूँ। जी जी आशिर बोल रहे हैं। वो सर जी ऑडियो अपलोड हो गया लेकिन ऑडियो चला नहीं है। आ जाते हैं, दिखाता हूँ आप, काम स्टार्ट करते हैं, बताता हूँ वो इश्यूज सारे। सर मेरा भी यही है। वो पता क्या होता है, आपका कुछ ना कुछ उसमें गलत होता है, या कंट्रोल्स नहीं दिए होते या सोर्स गलत होता है। वो सिर्फ ऑडियो को टैग लगाने से ना जगह ऑडियो की बन जाती है, सामने फ्रेम सा ऑडियो का बना आ जाता है, बट एक्चुअल में ऑडियो लगती नहीं है। वो ऑडियो हमने कैसे लगानी होती है वो सारा ऑडियो का तरीका आपको मैं बताता हूँ, ठीक है? ठीक है सर। यस सर, मेरा भी यही इशू था पहले। हाँ ठीक हो गया। हेड HTML में आए, हमने हेड लिखा, यहाँ पर आके हेड में हमने टाइटल लिख दिया, टाइटल पेज का कुछ भी रख दें। तो हम रखते हैं यहाँ पर टाइटल टू एड वीडियो एंड ऑडियो इन HTML, हमने ये टाइटल रखा। मैंने बताया आपको हर दफा हमने ऐसा ही करना है, बॉडी को करते हैं क्लोज, ठीक है, हर दफा ऐसा ही स्ट्रक्चर बनाना है। वो तो असाइनमेंट थी ना, असाइनमेंट तो मतलब मैंने पढ़ाई नहीं थी, जितना जितना भी आपने कर लिया तो बेहतर किया। अच्छा, यहाँ पर आ जाए, इसको सेव कर लें पहले। इतना सा लिखने के बाद ये स्ट्रक्चर याद है ना सबको, HTML लगाना, HTML को क्लोज करना, फिर HTML में हेड लगाना, हेड में टाइटल लगाना, टाइटल को उसके अंदर ही क्लोज करना, फिर हेड को क्लोज करना, फिर बॉडी, और देन ये सारा स्ट्रक्चर। ये देखे पहले HTML लगा, HTML एंड पे क्लोज हुआ। HTML में दो चाइल्ड आए, हेड और बॉडी, एक ही लेवल पे लगे। हेड में फिर एक चाइल्ड टाइटल, बॉडी में फिर एक चाइल्ड, बॉडी में फिर अपना जो भी लगाएंगे वो व्यू पोर्ट में नजर आएगा। अब इसको सेव कर लें एक दफा, कंट्रोल एस प्रेस किया, मैं चला गया बैच 3 में, यहाँ पर एक फोल्डर क्रिएट किया, उस फोल्डर का नाम है क्लास 2, ठीक है, क्लास 2 फोल्डर का नाम है। क्लास 2 में जाके मैंने फाइल को सेव करना है। अब इस फाइल को जो मर्जी नाम दे लूं, ठीक है, वीडियो फाइल कह दूं, ऑडियो कह दूं, कुछ भी कह दूं, मैं क्या नाम रख रहा हूं इसका, मैं रख रहा हूं video-audio.html। मेरी फाइल का नाम ही यही है, video-audio.html। तो video-audio इसकी जगह कोई भी नाम हो सकता है, home.html, अबाउट अस, कॉन्टेक्ट अस, अबाउट मी, कॉन्टेक्ट मी, फाइल का नाम कुछ भी हो सकता है, मैटर नहीं करता, ठीक है, एक्सटेंशन मैटर करती है क्योंकि फाइल टाइप होती है .html। इसको मैंने सेव कर दिया, देख ले जरा जाके वहां पर के वीडियो ऑडियो सेव हो चुका है। सर आपकी स्क्रीन नहीं आ रही। जी सबको नजर नहीं आ रही स्क्रीन, आप मुझे बताइए। सर स्क्रीन आ रही है, उनका नेट का इशू है, उनको प्रॉब्लम हो रही है स्क्रीन शो होने में, कल भी यही इशू था। हां आपका कुछ का इशू हो सकता है, कुछ आ रही है, स्क्रीन आ रही है, नजर आ रही है सबको स्क्रीन? जी सर। यस सर। वो जिसको नहीं आ रही ना वो लेफ्ट करके ज्वाइन करे, एक दफा मैं कर देता हूँ, देखो स्क्रीन ऑफ करके ऑन,
एक दफा मैं करूंगा, बाकी फिर अगर फिर भी नजर ना आए तो आपने लेफ्ट करके ज्वाइन करना। देखिए मैंने स्क्रीन ऑफ किया, मैंने 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 कुछ सेकंड्स के लिए मतलब मैंने अब अंधी रखा उसको, फिर मैंने किया ताकि उस पर हो जाए। ये लेखिए अब बताइएगा, स्क्रीन सबको नजर आ रही है, फोल्डर सामने है? जी सर, ठीक है जी सर, नजर आ रही है, शो हो रही है सर। अच्छा ये बात पल्ले से बांध लें कि जब आपको कोई इशू हो तो एक दफा सिर्फ कंफर्म करें कि सर स्क्रीन मेरी नजर नहीं आ रही, तो फिर वो जब बोल पड़े ना दूसरे के सर हमें सही नजर आ रही है, फिर आपने जो है बाय डिफॉल्ट यही चीज करनी है कि आपने लेफ्ट करके दोबारा से ज्वाइन कर लेना है। मतलब मुझे कहना ना पड़े बार बार फिर वो डिस्टर्बेंस से क्लास फिर स्टॉप होती है, ऑनलाइन है ना तो ये चीजें तो फिर फेस करनी पड़ेगी, बट ऐसे हम स्टैंडर्ड्स डिफाइन कर देते हैं कि कुछ ना कुछ टाइम हमारा कम लगे। तो हमने यहाँ पर सेव किया था फाइल को, ई रोजगार बैच 3 के अंदर क्लास 2 है, फाइल हमारी वीडियो ऑडियो आई हुई है। जरा इसको ओपन करके देखें तो ये देखें आपका टाइटल ऊपर आ रहा है, आ रहा है हो टू एड वीडियो ऑडियो इन HTML टाइटल आ गया। अब बॉडी में सामने स्क्रीन में कुछ भी नहीं नजर आया व्यू पोर्ट के अंदर, वो तो तभी नजर आएगा जब भाई आप ऐड करोगे बॉडी में कुछ, तो हम ऐड करते हैं बॉडी में। मैंने पहले आते ही हेडिंग दिया, मेरी मर्जी है करने, तो मैं आपको वीडियो लगा था बट मैंने हेडिंग दिया, मैंने कहा वी हैव एडिट सम वीडियोस मैंने ये हेडिंग दे दिया। क्या ये हेडिंग नजर आया? बिल्कुल नजर आया, क्योंकि हमने कॉम्बिनेशन यूज करना है ना, सिर्फ वीडियोस तो नहीं होती, टेक्स्ट भी होता है वेबसाइट में। मैं तरीका बता रहा हूँ कि ये नहीं कि अकेली वीडियोस ही पेज में आएंगी, ये तो असाइनमेंट के तौर पे दिया ना आपको, सिर्फ वीडियो लगाएं तो एक पेज में वीडियो ऑडियो मिक्सिंग होती है इनकी, जगह जगह जो मर्जी लगा लें आप। अलाइन का एट्रीब्यूट दिया, इसको सेंटर में कर दिया, तो जो मौजूदा चीजें हैं उनका इस्तेमाल करके मैं कुछ ना कुछ आपके सामने करता हूँ। इसको हेडिंग आ गया, बस इसके नीचे वीडियोस लगाता हूँ यहाँ पर। अपना माइक बंद रखें, अब देखें आप अपना माइक बंद रखें। अब हमने लगाना है वीडियो, वीडियो का टैग लगाना है हम लोगों ने, वीडियो का टैग, हमने वीडियो का टैग लगाया और इसी वीडियो का टैग को हमने कर दिया क्लोज। ये चीज याद रखनी है, ठीक है, इमेज की तरह का लगता है, थोड़ा सा इशू है, सेम थोड़ा सा मतलब डिफरेंट है बट सेम उस तरीके से भी लग जाता है। मैं आपको दो तरीके बताता हूँ लगाने के वीडियो को, दोनों तरीके से वीडियो लगाना बेहतर है, कोई इशू नहीं है, ठीक है। देखिए वीडियो सेम इमेज की तरह लगा लेते हैं हम, इमेज का क्लोजिंग टैग नहीं होता। कल किसी ने पूछा ही नहीं कि सर इमेज क्लोज नहीं होती, इमेज का क्लोजिंग टैग नहीं होता, जिस तरह आपके H1 का स्टार्ट और एंड टैग है, इमेज का क्लोज टैग नहीं है, इमेज का एंड टैग नहीं है, वीडियो का एंड टैग है, देखा आपने। अच्छा सेम इमेज की तरह अगर हम लगाना चाहे वीडियो को तो लग सकती है, देखें वीडियो। सर ये क्यों होते हैं इनके क्लोजिंग टैग? वैसे सर रीजन बता दें, लैंग्वेज ने डिफाइन किया है, वो बनाने वाला बता सकता है कि क्यों नहीं ये होते, उसने कहीं बताए होंगे, मैंने पढ़े नहीं है कि क्यों नहीं होते, ना इस चीज को मैंने इतना देखा है, जो जो चीजें उन्होंने बताई मतलब था कि हाँ नहीं होता। अगर मैं कहीं पढ़ लूं तो आप लोग पढ़ लीजिएगा, मुझे भी बता दीजिएगा, मुझे नहीं पता कि क्यों नहीं होते, तो कोई खास बात नहीं होगी इसके पीछे, बस बनाने वाले का होता है कि वो कैसे बना देता है, ठीक है, कोई खास नहीं होती इसके पीछे जो आपकी बात है, ठीक है। अब मतलब गाड़ी बनाने वाले होते हैं, कुछ जो चीजें होंगी उनकी तो वो उस पर रीजन पेश करते हैं, कुछ पे वो रीजन पेश नहीं करेंगे कि ये हेडलाइट को नीचे क्यों नहीं लगाया, ऊपर लगाया, सेंटर में क्यों लगाया, सेंटर में क्यों नहीं लगाया, तो ये तो मॉडल प्रोडक्शन करने वालों का है ना, वही रीजन बता सकते हैं। तो मैंने अभी तक रीजन नेट पे नहीं पढ़ा क्यों था, ठीक है, तो अब आप भी पढ़ लीजिएगा, मुझे भी बता दीजिएगा। वीडियो सोर्स, इमेज का भी सोर्स होता है तो वीडियो का भी सोर्स आ गया, भाई वीडियो लगानी तो है, वीडियो कहां से आ रही है, वीडियो का नाम क्या है, कोई इंफॉर्मेशन दो वीडियो के अबाउट। मैंने कहा ठीक है जी वीडियो कोई लेते हैं, मैं यहां से जाता हूं, मैं कंटेंट ले लेता हूं यहां से, मेरे पास वीडियो पड़ा। आपको पता है इतनी दूर से वीडियो नहीं हमने लगानी, पता है ना आपको कि मेरा ई के अंदर मेरा पड़ा हुआ है फाइल और वीडियो मेरी पड़ी है डेस्कटॉप पे, तो ऐसे कभी भी नहीं लगानी। इस वीडियो को यहां से कॉपी किया मैंने, मैंने अपने प्रोजेक्ट के पास जाके रख दी, माय वीडियो इसका नाम है, तो ये चीज याद रखें जरा अच्छे से नाम कर दिया करें, हाइफन नाम में डाल दें वीडियो के तो अच्छी बात होती है, ठीक है, हाइफन नाम में होना चाहिए,
सबसे अच्छी बात है, अच्छी अप्रोच है, वरना ना भी हो तो इशू नहीं है। अच्छी अप्रोच यही है कि आपके पेज के नाम में, वीडियो के नाम में, इमेज के नाम में आपका हाइफन होना चाहिए, स्पेस नहीं होनी चाहिए। बहुत जरूरी, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये मैं अपने मतलब मैंने बाद में आके सीखी है चीज, मतलब जब हमने भी लर्निंग की इसकी तो उस वक्त हमें भी नहीं पता था क्यों ऐसा है। ठीक है, इसका ये है कि यहाँ ब्राउजर में एसईओ के प्रॉब्लम होते हैं, एसईओ की चीजें होती हैं, उनको हमने फुलफिल करना होता है, तो इसलिए हाइफन का इस्तेमाल करें आपकी पेज के नाम में और वीडियो या ऑडियो या इमेज जो भी लगा रहे उसके नाम में स्पेस नहीं, हाइफन आनी चाहिए, हाइफन होना चाहिए। ठीक हो गया, ताकि जुड़ा जुड़ा चीजें रहें साथ आपस में। जी क्या कुछ कहा आपने किसी ने यहाँ पर? मैंने कहा सर हाइफन का क्या फायदा होता है, और अगर बंदा स्पेस दे ही ना, माय वीडियो इकट्ठे लिख दे, मर्जी आपकी भाई, वो फिर पता ही नहीं चलता वीडियो का नाम क्या है या पेज का नाम क्या है, तो माय वीडियो इकट्ठा लिख दो, वो और भी फायदे वाली बात है, वो कोई इशू नहीं है। हम अपने उसके लिए ना, जब आप जब क्लाइंट आपको देता है ना वीडियोज, वो एक दो वीडियो तो होती नहीं, फिर वो इतनी सारी वीडियोज होती है, 10-10 वीडियोज, 20-20, उनमें से फिर वो नाम बताता है कि ये वीडियो का ऐसे लगा देना, फिर क्या आपको पता ही नहीं चलेगा, आप कंफ्यूज हो जाओगे नाम पढ़ने में। माय वीडियो इकट्ठा ही लिखा होगा ना, जब तू हाइफन जरा उसको डिफरेंशिएट कर देता है, जरा खुला खुला हो जाता है, माय वीडियो ये चीज ये चीज ये चीज, जब भी आप डाउनलोड करते हो देखिए। जैसे हम लोग हेड, या आपने बताया था कि जो है ना टैब यूज करके आपने उसकी स्टाइलिंग या उसकी लैंग्वेज अच्छी करनी है, इसलिए यूज करते हैं, बस यही सब नहीं, इसका एसईओ में बड़ा कमाल होता है आपके, इसका जो यूआरएल फ्रेंडली आपके होने चाहिए। ठीक है, ज्यादा वीडियोस में सर नंबरिंग भी कर सकते हैं, ये आपकी मर्जी है भाई, नंबरिंग कर लें जो मर्जी कर लें, ये आपकी है। ओके सर थैंक यू। आप लिंक पे क्लिक करें, लिंक पे क्लिक करके क्लास को ज्वाइन कर लें, निम्रा लिंक पे क्लिक करें, क्लास को ज्वाइन कर लें। क्यों नहीं ज्वाइन हो रही, इशू बताएं मुझे, मैंने तो ओपन छोड़ी हुई है क्लास, कोई भी ज्वाइन कर सकता है। अच्छा जी, आपने देखा यहाँ पर हमने वीडियो अपना कॉपी करके अपने पास रखे, अब वीडियो का नाम क्या है, माय वीडियो, भाई रिनेम करके नाम कॉपी कर लो, खुद टाइप करने की बजाय नाम को कॉपी करो, ताकि गलती की गुंजाइश ही ना बचे। आपने नाम कॉपी कर लिया, वीडियो का रिनेम किया, नाम कॉपी कर लिया, अब वीडियो की एक्सटेंशन क्या है, आपको टाइप यहीं से पता चल रही है, MP4 है वीडियो की एक्सटेंशन, आप यहां पर आ जाएं, .MP4 कर दें वीडियो को। ठीक हो गया, क्या ये वीडियो आपका पेज में आ रहा है, आप जरा चेक कर लें, यहाँ पर हम पेज में जाते हैं, रिफ्रेश करना है, कंट्रोल एस में करके आया हूँ, रिफ्रेश किया, वीडियो का एक फ्रेम सा बना आ गया मेरे सामने, वीडियो नहीं आई, वीडियो का एक फ्रेम सा बना आ गया, तो मैं क्या करूंगा, ये इस वीडियो को लगा दिया, वीडियो को कंट्रोल्स नहीं दिए, तो जो कंट्रोल्स का जो एट्रीब्यूट है, ये भी एट्रीब्यूट है, जरूरी नहीं कि एट्रीब्यूट ऐसे ही हो, इक्वल टू डाल के वैल्यूज किया है, ये बजाते खुद वैल्यू है एट्रीब्यूट है, एट्रीब्यूट एट्रीब्यूट विद वैल्यू, वही एट्रीब्यूट वही वैल्यू, मतलब कंट्रोल्स लगा होगा तो कंट्रोल्स लग जाएंगे, हटा होगा तो कंट्रोल्स नहीं लगेंगे, तो क्या मतलब यहाँ पे कंट्रोल्स लगाने का, इस वीडियो को कंट्रोल्स लगा दो, इस वीडियो पे कंट्रोल्स आ जाए। कंट्रोल्स कौन से होते हैं, वीडियो को प्ले करना, चलाना, इसको आगे पीछे करना, आवाज कम ज्यादा करना, वो कंट्रोल्स, आपकी वीडियो के कंट्रोल्स आ गए यहाँ पर, ये वीडियो की आवाज को करना, ये यहाँ पर प्ले करना, यहाँ पर इसको ये चीजें करना, पिक्चर देखना, ये आपकी वीडियो हमने यहाँ पर प्ले कर दी। ठीक, अच्छा, यहाँ पर ये आपकी वीडियो यहाँ पर आ गई है, अब इस वीडियो को देखें, हमें कंट्रोल्स मिले तो वीडियो ऐसी आई, कंट्रोल्स आए, प्ले करनी पड़ी। अच्छा, अब हम चाहते हैं इस वीडियो को ऑटो प्ले करना, तो लुक अपने पीसी के अंदर जो आपका गूगल क्रोम है ना, ये अलाउ ही नहीं करता वीडियो को ऑटो प्ले करो, ये कहता है कि वीडियो को ऑटो प्ले ना करो, मतलब अलाउ ही नहीं करता वीडियो को ऑटो प्ले करना, जो आपका गूगल क्रोम है, और दूसरे काफी ब्राउजर्स आपके अलाउ करते हैं, बट गूगल क्रोम आपको ऑटो प्ले अलाउ नहीं करता। गूगल कहता है, गूगल क्रोम के ऑटो प्ले करना है, होगा ही नहीं, देखिएगा होगा ही नहीं ऑटो प्ले, चलेगा ही नहीं। ये कहता है कि अगर ऑटो प्ले करना है तो मैं आपको बताता हूँ, वीडियो को म्यूट कर दो, म्यूटेड, म्यूट कर दो, MUTED, म्यूटेड, अपने माइक ऑफ कर लो, माइक ऑफ कर दे, फिर मुझे म्यूट करना पड़ेगा आपको। ये देखो, जो ही मैंने वीडियो को म्यूट किया, वीडियो ऑटो प्ले हुआ,
वीडियो, बस हर एक की अपनी अपनी स्ट्रेटजी होती है। इस ब्राउजर की स्ट्रेटजी है कि वीडियो को ऑटो प्ले नहीं करना, ठीक है। हाँ, अगर यही वीडियो यही आप ब्राउजर लाइव कर देंगे ना तो आपका ऑटो प्ले वर्किंग करेगा, मतलब वेबसाइट आपकी लाइव हो जाएगी तो आपका ऑटो प्ले वर्किंग करेगा। आपके लैपटॉप में ये ऑटो प्ले वीडियो साउंड ऑन होने पे नहीं करेगा ऑटो प्ले, ठीक है, वरना कर रहा है। साउंड ऑफ है, ऑटो प्ले वीडियो हो रही है, लेकिन जो ही म्यूटेड को खत्म किया, मैं खत्म नहीं करता, मैं स्पेल गलत कर देता हूं, तो स्पेल गलत होंगे तो जाहिर बात है काम ही नहीं होगा, वीडियो आपका ऑटो प्ले नहीं होगा, ठीक हो गया। वीडियो ऑटो प्ले नहीं हुआ आपका, म्यूटेड पे वीडियो ऑटो प्ले हो गया, तो म्यूटेड का काम क्या है, पहले से आवाज बंद आना, आवाज चला भी सकते, ये ले आवाज हम चला भी सकते। अब यहां से इसको बड़ा छोटा पिक्चर पिक्चर वो कर सकते हैं सब कुछ। अच्छा अच्छा, एक और चीज यहां पर आ जाए, हमने देखा, हमने कहा चले ठीक है ऑटो प्ले को मैं रोक देता हूं, ऑटो प्ले को मैंने रोक दिया, देख रहे हैं ऑटो प्ले को मैंने रोक दिया, उसके स्पेलिंग गलत कर दिए तो वो रुक ही जाएगा ना, तो म्यूटेड का भी आपको पता चल गया। यहां पर एक और लगाते हैं लूप, ये लूप क्या होता है, जब आपका वीडियो एक दफा प्ले हो जाता है, एक मिनट दोबारा रिपीट करें, ये वाला ऑफलाइन हो गया था, क्या रिपीट करना है, ऑटो प्ले नहीं, ये जो वीडियो वाला सारा वो मेरे नेट ऑफ हो गया था। ये देखिए वीडियो लगाया हमने, वीडियो के टैग से सोर्स, जिस तरह इमेज लगता है इमेज के टैग से सोर्स, सोर्स वो माय इमेज था, ठीक है, ये माय वीडियो है। वालेकुम सलाम, गूगल क्लासरूम को भी छोड़ दो, आप अपनी क्लास ज्वाइन करो अभी, ठीक है, वो बात की बात है, उसको देखते हैं। वीडियो लगाया, वीडियो में सोर्स लगाया, एक्सटेंशन MP4 दिया, ये वीडियो लगता है, बट आपके सामने बट आता कुछ नहीं है, तो कंट्रोल्स से कंट्रोल आगे वीडियो में, वीडियो को आप प्ले कर सकते हो, आगे कर सकते हो, पीछे कर सकते हो, फिर आपने ऑटो प्ले दिया, ऑटो प्ले आते नहीं चलता, ऑटो प्ले का मतलब है ऑटो प्ले हो चले, बट गूगल नहीं आपको चलने देता, शायद कोई और ब्राउजर इसको अलाउ कर दे, मैं दूसरे ब्राउजर में देखता हूँ कि शायद ये इसको ऑटो प्ले चलाए, बट जो था ये आपका क्रोम है, क्रोम ऑटो प्ले नहीं चलाता, मैंने काफी दफा ट्राई किया है, मैंने इसके बारे में पढ़ा भी है, तो क्रोम आपका ऑटो प्ले नहीं चलने देता। हाँ, यही वेबसाइट आप लाइव कर दोगे तो ऑटो प्ले चलेगा। इसको ओपन करते हैं, ओपन विद इसके साथ, अब देखते शायद ये ऑटो प्ले चल गया ना, तो क्रोम नहीं सिर्फ चलाता आपका ऑटो प्ले, आपका चल गया, यहाँ पे चल गया ऑटो प्ले, सर आपकी आवाज नहीं आ रही, भाई बाकियों को भी आवाज नहीं आ रही मेरी, आ रही है सर, सर आ रही है, आ रही है सर आवाज, ठीक हो। अच्छा, यहाँ पर ऑटो प्ले हो गया ना, देखें मैं तो नहीं कुछ भी कर रहा, आते ही ऑटो प्ले हो गया, ब्राउजर है गूगल क्रोम नहीं आपको ऑटो प्ले करने देता, जबकि दूसरे ब्राउजर कहते हैं कि हाँ कर चला लो भाई ऑटो प्ले, ब्राउजर में अगर इसमें गूगल क्रोम में ऑटो प्ले करना है तो आपको वीडियो को म्यूट करना पड़ेगा, ये देखिए म्यूटेड, वीडियो को म्यूटेड कर दिया तो फिर आपका ये हो गया, ये देखिए, ठीक है, फिर आपका ऑटो प्ले हो गया बट आवाज बंद करके। अच्छा जी, हम इसको ऑटो प्ले को करते हैं खराब, रोक देते हैं, हमने ऑटो प्ले नहीं करना, हमने आगे पढ़ना है, ऑटो प्ले नहीं किया, वीडियो को प्ले किया, वीडियो कंप्लीट चला, देखिएगा एंड तक वीडियो गया, वीडियो एंड तक गया, एंड तक जा रहा है वीडियो, जाने के बाद वीडियो आपका ये ले, रुक गया वीडियो। आप चाहते हैं वीडियो एक लूप कंप्लीट करने के बाद फिर आए, मतलब फिर चले, फिर चलता रहे ऑटो प्ले, मतलब सॉरी ऑटो प्ले कर रहा हूं, लूप चले इसका, तो यहां पर आ जाना है, आपने एक चीज ऐड कर देनी है, लूप का एट्रीब्यूट, लूप, तो ये खुद ब खुद वीडियो आपका देखिएगा प्ले कर दिया, एक दफा एंड पे ले आया, एंड पे लेके देखिएगा, मैं एंड पे इसको ले आया, ये ले, अभी देखिएगा ये जो 58 पे पहुंच जाएगा, फिर खुद ही प्ले हो जाएगा, दोबारा से मैं नहीं इसको प्ले करूंगा, तो लूप का ये कमाल है कि लूप इसको दोबारा दोबारा चलाता रहेगा, देखे मैंने नहीं किया, खुद ब खुद चल गया,
ठीक है। अच्छा जी, म्यूटेड का भी पता चल गया। जी जी एक क्वेश्चन है सर। जी जी बोले बोले सर, आपने इस वीडियो में वीडियो की विड्थ और हाइट तो डिफाइन नहीं की, लेकिन फिर भी ये फिट आ रही है। वो विड्थ इतनी ही आएगी, ये नॉर्मल डिफॉल्ट विड्थ है। आप डिफाइन कर सकते हो इसकी, आप यहाँ पर आओ, विड्थ कर दो इसकी 300px, आप डिफाइन कर दो, ये फिर छोटी हो जाएगी। ठीक है, वो नॉर्मल थी कि वीडियो ऐसे आया, आप इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं वीडियो को, ये लें। अच्छा जी, ये आपका वीडियो था, मैं इसको बड़ा कर देता हूँ वीडियो को। जी सर, मेरा एक क्वेश्चन है सर। हाँ हाँ, क्वेश्चन कर दिए करें ना। अच्छा सर, ये पूछना ही है था, इसमें हम लोग कितने एमबी की फाइल मतलब अपलोड कर सकते हैं मैक्सिमम सर? आप पूरी पूरी ये अपलोड करना होता ही नहीं है, ये अपलोड तो करना होता ही नहीं है, ये तो एड्रेस ऐड करना है, वो HTTP रिक्वेस्ट से खुद ही वहां से उठा लेता है, ये अपलोड करना नहीं, ये अपलोड करना ही नहीं है यहाँ पर। वैसे जब आप सर्वर पे अपलोड करेंगे वो सारा तरीका बाद में बताऊंगा, ये तो आपके एड्रेस में खुद ही पड़ी हुई है। इसने तो बेशक जितनी मर्जी GB की वीडियो, 2 GB की वीडियो वो भी लग जाएगी इसके अंदर, उसका इश्यू नहीं है। ये अपलोड करना तो नहीं है, आपके तो PC में पहले से पड़ी हुई है। ठीक है जी सर, मैंने 1 और की वीडियो लगाई है अब तक, वो कोई इशू नहीं, वो कोई इशू नहीं है यहाँ पर। ठीक है, अच्छा, कंट्रोल्स भी हो गया, ऑटो प्ले का भी पता चल गया, म्यूटेड का भी पता चल गया, लूप क्या होता है उसका भी पता चल गया। लास्ट में चीज, जब हम यहाँ पर आए, हमने देखा हमारी वीडियो यहाँ पर आके रुक गया ऐसे। अब जब वीडियो रुका होता था, इस पे कोई ना कोई पोस्टर होना चाहिए, मैं चाहता हूँ इस पे कोई पोस्टर लगा हो, कुछ ना कुछ पहले से लिखा आ जाए, जिसको थंबनेल बोलते हैं। तो कैसा पोस्टर चाहता हूँ मैं, कहता हूँ यार यहाँ पे कोई पोस्टर लेता हूँ, कौन सा पोस्टर होना चाहिए, यहाँ से यही कॉपी कर लेते हैं। स्क्रीन पर सर पढ़िए पहले जी, स्क्रीन पर पिक्चर पढ़िए वैसे। अच्छा ये वाली तस्वीर ले लेते हैं, चलिए ये वाली, कोई एक ले लेते हैं इनमें से, इसको मैं कॉपी करके अपने उसी में ले गया, उसी जगह पे इसका रिनेम कर लें, ताकि नाम आपको सही वाला कॉपी मिले, JPG है। आ जाए, अब पोस्टर लगाना है वीडियो के ऊपर, वीडियो के ऊपर लूप देखें, इसके बाद लगाएं पोस्टर, POSTER पोस्टर इक्वल टू, ठीक है, पोस्टर कौन सा एट्रीब्यूट, पोस्टर का एट्रीब्यूट, पोस्टर में क्या लगाना है भाई, वीडियो इमेज का नाम, ये इमेज है .jpg है, इमेज का नाम मैंने वो जो था वही लगा लिया, ये होता नहीं, आपने इमेज का नाम अरेंज करना होता है, उसका नाम खुद रख लें कुछ ना कुछ, ठीक है, बट मैंने नहीं रखा, तो देखिएगा आपकी वीडियो पे ये वाला पोस्टर लगा आ जाएगा। ठीक हो गया, आपकी वीडियो पे ये पोस्टर लगा आ गया। अब अभी तक पोस्टर आ रहा है, जब प्ले करोगे पोस्टर खत्म हो जाएगा, आपकी वीडियो आगे चलेगी, यहाँ से वीडियो बड़ा हो जाता है आपका, ठीक है, यहाँ से वीडियो आपका फिर आपका पोस्टर खत्म हो गया। अच्छा, आपका वीडियो लगाना आ गया। अब ये एक वीडियो लगा, मैं एक और वीडियो लगाना चाहता हूं, ठीक है, मैं एक और वीडियो लगाना चाहता हूं, वीडियो, ये देखिए वीडियो का टैग, वीडियो, वीडियो को क्लोज किया। एक और तरीका है ना वीडियो लगाने का, वो भी बताता हूं, वो तरीका क्या है। वीडियो लगाया, वीडियो में इधर मैंने सोर्स का एक टैग लगा दिया, वीडियो के अंदर एक टैग लगा दिया, दोनों तरीकों से आपका वीडियो लग जाता है। आपको जो नेट पे मिलेगा ज्यादातर ये वाला तरीका मिलेगा, सोर्स लगाने वाला, ठीक है, वीडियो लगाया, वीडियो में देन आपने सोर्स लगाया, अच्छा जी, से बताऊं, वॉल्यूम वगैरह भी सेट कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट के थ्रू कर सकते हैं यहाँ पर, मतलब वीडियो का वॉल्यूम का मतलब क्या, आप क्या मतलब ज्यादा कर सकते हैं यार, वो कंट्रोल से आ गया ना आपके पास, कंट्रोल्स ने आपको सारे कंट्रोल्स दिए, नजर आया स्क्रीन पे आपको, या तो बंद करके भेज सकते हो वॉल्यूम को, वो म्यूट कर दो,
म्यूटेड बंद चला जाएगा, म्यूट नहीं करना तो भाई आप प्ले कर दो, मतलब ऐसे ही चले। ओके सर। वो एक तरीका आपका सर, लूप को अगर 3-4 टाइम चलाएंगे तो लूप के एट्रीब्यूट के आगे उसकी नंबरिंग दे देंगे? नहीं नहीं नहीं, यहाँ पर, यहाँ पर नहीं है वो चीज, नहीं है यहाँ पर। वो चलेगा तो मल्टीपल टाइम ही चलेगा। हाँ, इसको रोक सकते हैं हम, वो प्रोग्रामिंग के, वो आगे जाके चीजें पढ़ेंगे ना। अभी मैंने बताया महदूद चीजें हैं, महदूद चीजों का इस्तेमाल कर करके आगे चलेंगे, फिर आगे जाके ये सारी चीजें आएंगी, अपने मुताबिक हम चीजों को ढाल सकेंगे। जैसा जैसा आप सोचेंगे वैसी वैसी चीजें आपके पास मौजूद होगी, क्योंकि आगे फिर आती है लॉजिक। तो लॉजिक आपका माइंड ही होता है, आप कितना इस्तेमाल करते हो, जो चीज आप सोच सकते हो उस चीज का आप सोल्यूशन भी निकाल सकते हो, वो चीज बन भी सकती है। ठीक है, वो इस तरह का आप रखें कि जो आप सोचेंगे वैसा मौजूद है, वैसा हो सकता है। आपने सही सोचा कि हाँ भाई लूप को मैं चाहूंगा 3 दफा चले सिर्फ, बिल्कुल हो सकता है, बट लिमिटेड जो अभी आपके पास कंट्रोल्स हैं इनमें नहीं हो सकता है। आगे जाके आप 1 दफा कर लें, 5 दफा कर लें, 500 दफा कर लें, आप वो कर सकते हैं। ठीक हो गया। दूसरा तरीका वीडियो को लगाने का, आप दोनों में से जो मर्जी तरीका फॉलो कर लें, अपने माइक बंद कर लें। दूसरा तरीका वीडियो को लगाने का, वीडियो वीडियो में सोर्स का पूरा टैग लगा दें। निम्रा आप डायरेक्ट ज्वाइन करें जरा, पासवर्ड क्यों मांग रहा है यहाँ पर, ये तो आप साइन इन कर रही है ना, साइन इन ना करें, आप जस्ट क्लिक करके ज्वाइन मीटिंग करें। ठीक है, नहीं तो अगर आपका साइन इन का मसला है तो मैं अभी आपको फिर साइन इन किसी का भेज देता हूँ, आप उसके अकाउंट से ज्वाइन कर लें क्लास। ठीक है, अच्छा अच्छा वीडियो सोर्स, सोर्स में SRC, इधर भी SRC लगेगा, जरूरी नहीं कि SRC नहीं लगेगा, इधर भी SRC लगेगा। तरीका सिर्फ क्या है, इसका फायदा क्या है वैसे इसको लगाने का, वो मैं आपको बताता हूँ। इसका तरीका ये है कि कोई एक वीडियो ना चल रही हो, आप दूसरी वीडियो लगा दें, तीसरी लगा दें इसमें, मतलब आपकी कोई एक्सटेंशन नहीं चल रही तो आप दूसरी वीडियो लगा दें कि अच्छा ये नहीं ब्राउजर के साथ कंपेटिबल तो ये चल जाए। मैं आपको बताता हूँ कैसे। यहाँ पर आए SRC में, आप वही वीडियो का नाम लिखें, ये वीडियो पड़ी आपकी, ये वीडियो आपकी पड़ी सोर्स, फिर आपने ये लगा दिया, आगे फिर एक टाइप लगाते हैं। तो ये जरा मुश्किल तरीका है, वो ऊपर तरीका अच्छा है आपके पास कि आप डायरेक्ट ही वीडियो लगा दें। वैसे ये HTML5 ने दिया आपको कि वीडियो ऐसे लगाएं, ये देखिए ये वीडियो लगाने का तरीका। फर्क क्या हुआ, वो सोर्स ऊपर वीडियो के टैग में लगाया, यहाँ पे सोर्स सोर्स के टैग में लगा, SRC सोर्स के टैग में लगा, वहां पे SRC वीडियो के टैग में लगा, और फर्क कुछ भी नहीं आया, और फर्क कुछ भी नहीं आया। विड्थ आप यहाँ पे डिफाइन कर दो, देखो दो वीडियो लगी, उसके आगे वीडियो आ जाएगी, वीडियो आ गया। कंट्रोल्स नहीं लगाए, इस तरह की चीजें नहीं डिफाइन की, जाओ भाई वीडियो में उसी तरह कंट्रोल्स लगा दो, जो ही कंट्रोल्स लगाए वीडियो आ जाएगी आपकी, देख रहे हो कंट्रोल्स आपके आ गए। अच्छा कंट्रोल्स आ गए आपके, आपने वहां पर विड्थ भी डिफाइन करनी है, बिल्कुल करें, जितनी ऊपर वाले की विड्थ है उतनी ही इसकी विड्थ कर दें 500, तो आपकी ये भी हो जाएगी 500 की। ठीक हो गया। इसमें भी पोस्टर लगाना है, बिल्कुल पोस्टर लगा सकते हैं, वही वाला पोस्टर लगाना है वो लगा लें, कोई और पोस्टर लगाना है तो और कॉपी कर लें, और तस्वीर यहां से ले लें, ये तस्वीर नमाज वाली ले लें, इस वाली तस्वीर को लेके आप वहां पर जाके रख लें, इसको रिनेम करें, कॉपी कर लें, ये इसकी एक्सटेंशन है JFIF। आ जाएं जी पोस्टर में, जाएं इक्वल टू यहां पर namaz.jfif, अपने माइक बंद कर लेना, ये देखिएगा इस पे वो वाला पोस्टर आ जाएगा, देख रहे हैं आप, इस पे वो वाला पोस्टर आ गया, उस पे वो वाला पोस्टर आ गया। तरीके दोनों ही बेहतर हैं, जिस मर्जी तरीके से आप वीडियो को लगा लें, बेशक उस तरीके से लगा लें कि वीडियो के अंदर ही वो इजी है, इमेज वाला ही तरीका है, ये एक कुछ नई चीज आ गई सोर्स के जरिए बीच में। वीडियो का समझ आ गया सबको सर? इस टाइप में वीडियो जो लगाई आपने, उधर माय वीडियो नहीं लिख सकते, मतलब इधर माय वीडियो कर दें, मतलब जो आपने इज इक्वल टू लिखा है ना, मतलब टाइप ये जो नीचे आ रहा है सोर्स में, या टाइप में इज इक्वल टू वीडियो आपने लगाया, तो यहाँ पे माय वीडियो नहीं, मतलब नहीं, ये ऐसे ही लिखना है, ये ऐसे ही लिखना है, इसको बेशक ना भी लिखें तो कोई इशू नहीं होता इसका। ठीक है, ये टाइप है वीडियो बाय MP4, मतलब वीडियो है MP4 का, ये टाइप है। ठीक है, इसको ऐसे ही लिखना है, ये सिर्फ इसलिए है कि ये देखो ये एक और वीडियो डिफाइन कर देते हैं, वो ना वो दो दो वीडियो रख देते हैं वहां पर,
एक ये वीडियो, एक और दूसरा वीडियो मैं आपको बताता हूँ, वो और एक वीडियो वहां पर रखी होगी उन्होंने, और वो होगी एक्सटेंशन उसकी डॉट ओ जी जी, डॉट ओ जी जी, फिर यहां पर कर देंगे वीडियो ओ जी जी। तो ये इसका क्या फायदा होगा, दो वीडियोज होगी ना, अगर कोई ब्राउजर कंपेटिबिलिटी का इश्यू आ जाता है, कोई ब्राउजर इस वीडियो को नहीं चलाता वो इसको चला देगा, जो इसको नहीं चलाता वो उसको चला देगा, ठीक है। तो ये इसमें फायदा है, जो ऊपर वाला है उसमें भाई एक ही वीडियो है एमपी फोर वाला, कोई ब्राउजर कंपेटिबल हुआ तो चला देगा, कोई कंपेटिबल नहीं हुआ तो वो नहीं चलाएगा। तो बेहतर तरीका ये है, इजी तरीका हुआ है, जिस मर्जी तरीके का इस्तेमाल कर लें। तो तकरीबन सारे ब्राउजर जहां जहां लेटेस्ट ब्राउजर होता है ना वो चलाता है वीडियो को, वो नहीं रोकता, कोई थक्कड़ पुराना किसी ने ब्राउजर किया हो ना तो वो मसला करता है। तो लोग बड़े अपडेट हो गए, आपको पता है हर चीज अपडेट्स आती रहती है उनको, तो तकरीबन सारी ही नई चीजें चलती हैं जी। सर ये फाइल्स, वीडियो फाइल्स इसी तरह अलग फिर रखनी पड़ेंगी हर टाइप की फाइल तो, सोर्स में। जी जी जी, वो तो रखी है हमने, वीडियो रखी है, ये देखें सिर्फ ऑप्शन जैसे आप बता रहे थे .ogg, हां हां वो ब्राउजर उसको रीड ना कर सके तो दूसरी उठा ले, वीडियो एक ही होगी सिर्फ मुख्तलिफ टाइप्स की होगी। नहीं नहीं नहीं, हां वीडियो एक ही होगी, इसकी एक्सटेंशन फिर दो हो जाएंगी, टाइप कोई और हो जाएगी, एक और वीडियो और टाइप की आ जाएगी। वो सिर्फ उसका मकसद बेसिकली यही है ताकि ब्राउजर एक को डिफाइन नहीं कर पाए दूसरे को। ब्राउजर मसला कर जाता है कभी कभी कि गूगल क्रोम हर यूजर एक ब्राउजर तो इस्तेमाल नहीं करता, कोई सफारी का इस्तेमाल करता है, अमेरिका में ब्राउजर आपका क्रोम चलता है, कहीं पे आपका मोज़िला फायरफॉक्स चलता है, तो इसलिए वो फिर ये तरीका बेहतर है कि चलें दो दो वीडियो रख दें। पर होता नहीं, मैं आपको कह रहा हूँ कोई मसला नहीं होता आपका, आपका वही बेहतर है, ऊपर वाला चलाएं, ये समझ आ जाता है, ये चलाएं, फर्क कितना है, इसमें सोर्स सिर्फ इस सोर्स के टैग में आ गया, उसमें सोर्स उसी वीडियो के अंदर आ गया, तो दोनों में से जो मर्जी तरीका चला लें। वीडियो, अब मुझे आपने बताना है वीडियो इनलाइन टैग है या ब्लॉग टैग है, बताएं जरा, वीडियो इनलाइन एलिमेंट है या ब्लॉग एलिमेंट है? सर ये इनलाइन है क्योंकि नेक्स्ट टू नेक्स्ट आ रहा है, इनलाइन। अब आपको समझ आ गया कि वीडियो एक, ये क्या हुआ, वीडियो ही नहीं आपके आ रहे, दोबारा से जाते हैं, कुछ गलत तो नहीं कर दिया इसमें हमने? सर वो आपने वीडियो के बाद OOG लगा दिया, उसकी जगह पे MP4 लगाना था। नहीं 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 नहीं, यहाँ पे वो सर। तो नहीं नहीं, ये वो हाइफ़न आपने रिमूव कर दिया था, हाइफ़न रिमूव किया था सर, आपने माय वीडियो के ये का नाम ही गलत हो गया, वीडियो का नाम ही गलत हो गया, वो माय वीडियो तलाश कर रहा है जबकि वीडियो का नाम है माय हाइफ़न वीडियो, दरमियान में हाइफन था, मैंने वो हाइफन रिमूव कर दिया था तब वो वीडियो नहीं आ रहा था। अभी वीडियोज आप क्या, उसको वीडियो मिल ही नहीं रहा था, अभी आपके वीडियो, वीडियो एक इनलाइन टैग है, एक दूसरे के आगे आगे आपके, ठीक है जी। अच्छा इसी तरह ऑडियो लगेगा, ऑडियो लगाएं इसी पेज में लगा लेते हैं जरा नीचे, जी ओजीजी, बिल्कुल बिल्कुल, ये फाइल का टाइप है, नेम नहीं है, फाइल का टाइप है, फाइल एक्सटेंशन है। इस तरह और भी होती हैं आपके पास ना, WEBM और काफी सारी होती हैं। अच्छा अच्छा, इस तरह हम वीडियो, अपने माइक बंद कर लेना, ये फिर कोई अच्छी बात नहीं होती। ये वीडियो हो गया, एक वीडियो टैग में काफी सारी वीडियोस लगा सकते हैं, यहाँ पर यहाँ यहाँ की बात कर रहे हैं आप? यस सर। हाँ बट चलेगी वही ना जो कंपेटिबल होगी, ये नहीं कि मल्टीपल वीडियोस चलेंगी, वीडियो एक ही लगेगी पर वो चलेगी जो कंपेटिबल। इसमें फायदा ये है ना कि ब्राउजर कोई ऐसा होता जो एमपी फोर को नहीं चलाता, ठीक है, वो पहली वीडियो को ना चलाए, किसी ना किसी तरीके से वो वीडियो ना आपकी आए, मतलब लोड नहीं हुई वीडियो या कोई इशू आ जाए तो दूसरी वीडियो चला दे, तीसरी चला दे, बट आपके लेटेस्ट ब्राउजर हैं सारी वीडियो चल जाती है, कोई इशू नहीं होता आपका, ठीक है, कोई इशू नहीं होता। अगर कोई सपोर्ट नहीं करता वीडियो तो डिफरेंट ब्राउजर्स पर डिफरेंट वीडियोस शो होंगी। हाँ ये फायदा है इसका कि कोई ब्राउजर सपोर्ट नहीं करता MP4 को, वो .ogg वाला वीडियो शो करवा देगा। उसमें ये है कि टैग एक ही लगा होगा तो MP4 नहीं होगा तो वीडियो ही नहीं नजर आएगी, सपोर्ट नहीं ना करेगा MP4 को तो वीडियो नजर ही नहीं आएगा, फिर काम खराब हो जाएगा। यहाँ पर ये फायदा है अगर MP4 नहीं है तो भाई OGG वाला वीडियो चल जाएगा, ये नजर आ जाएगा, ठीक हो गया। सर थैंक यू। वालेकुम सर। जी 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 जी,
अगर हमारा ब्राउजर एंड ओ जी जी उन दोनों को सपोर्ट करे तो क्या वो दोनों वीडियो एट अ टाइम मतलब एक ही वीडियो दो बार शो होगी? नहीं नहीं, फिर पहले वाली प्रायोरिटी जो सबसे पहले लगी है वो चलेगी सर, चलेगी एक ही सर। मैंने ना वो इसका लिंक जो है ना वीडियो का, कोई भी अगर मैंने वीडियो लगाई है ना तो उसका लिंक कॉपी करके वहाँ पे कोडिंग में लगाई तो वहाँ पे वीडियो सही लग गई, वो ठीक है या फिर यही तरीका जो आपने इधर मतलब ये सब कर रहे हैं वो ठीक है? आपने क्या किया, आपने क्या किया सर? वो वीडियो में जाकर शेयर पे एम्बेडेड पे करके वहाँ से लिंक कॉपी करके ना वो कोडिंग में लगाया तो वो वीडियो बिल्कुल ठीक लग गई है। एक मिनट मैं आपको बताता हूँ, आपने किया है वीडियो पे चले गए आप, वीडियो पे आपने क्या किया सर? यूट्यूब पे मैंने यूट्यूब की वीडियोस उठाई है ना। ओ भाई यूट्यूब की वीडियो तो लगाने को क्या ही नहीं रहा, मैं तो आपके पीसी में पड़ी वीडियो को कह रहा हूँ। अच्छा अच्छा, वो मैंने वो यूट्यूब से उठा के लगा दी। वो नहीं लगानी, वो तो बैठे वो कितना मुश्किल है लगाना, वो कोई मुश्किल है? वो तो आप जिधर मर्जी लगा दो कॉपी करके लिंक को, ठीक है? ये जब भी आप वीडियो लगाओगे सारी वीडियोस यूट्यूब पे तो नहीं होती, हर क्लाइंट का चैनल नहीं होता। एक क्लाइंट ने अपनी वेबसाइट में एक ही वीडियो लगानी है, एक वीडियो। अब क्या एक वीडियो के लिए वो पहले चैनल बनाए जाके वो चैनल पे वीडियो को अपलोड करे फिर वो वेबसाइट में वीडियो लेके आए हैं, ऐसा करेगा भाई? नहीं, एक वीडियो ऐसे लगता है उसकी वेबसाइट में ही वीडियो को रख दो, एक है दो है तीन है जितनी भी उसकी वेबसाइट में ही रख दो, वेबसाइट में रख दो उसकी वीडियो अपनी जो भी है उसकी, उसकी वेबसाइट से बुलाओ तो ये वेबसाइट से आएगी वीडियो, ये डायरेक्टरी आपके वेबसाइट की, ये पूरी आप अपलोड करोगे तो वीडियो उसके अंदर पड़ी हुई है। हाँ सर, ये लिंक कॉपी करने का तरीका थोड़ा बता दें यहाँ पे एक एग्जांपल के तौर पे कि लिंक कहाँ पे कॉपी हो। राइट क्लिक करें, रीनेम करें तो कॉपी कर लें, वो सारा सेलेक्ट हो जाता है। कंट्रोल सी कर लें, नेम कॉपी कर लें। ये फायदा क्या है कॉपी करने का, क्योंकि वीडियोज के इतने इतने लंबे नाम होते हैं, वो नंबर लिखे होते हैं पता नहीं क्या क्या, जस्ट राइट क्लिक करके रीनेम करें, कॉपी करके आराम से जाके सोर्स में पेस्ट कर दें, फिर डॉट MP4 लास्ट में लगा दें। समझ आ गया सर? लिंक डॉट MP4 लिखना होगा, पूरा लिंक उसका दे के URL दे के और डॉट MP4 भी लिखना पड़ेगा? तो लिखना नहीं है अच्छा, क्योंकि YouTube पे तो अक्सर M4K या वो होती हैं MKV फाइल्स होती हैं। आप जो फाइल का टाइप होगा वही लगाना है ना यार, जो डाउनलोड किया है वो लगा दें, जरूरी नहीं MP4। मैंने एग्जांपल के तौर पे MP4 कहा, अगर वीडियो का टाइप MP4 है ना। ये मैं URL लिंक की बात कर रहा था, जैसे YouTube से उठानी है कॉपी लिंक करके यहां पेस्ट कैसे करना है वो। जब बात ही नहीं कर रहे YouTube की तो आप क्यों YouTube को बीच में लेके आ रहे हो? जब हम कह रहे हैं कि हमने लोकेटेड वीडियो लगानी है, आपसे पिछला क्वेश्चन भी यही था, जब हम YouTube की बात ही नहीं कर रहे अभी तो YouTube से जो लगाना है ना वो भी मैं आपको बताता हूँ वो कैसे लगाना है आपने। सर एक क्वेश्चन है सर। हाँ जी जी बोले सर। अगर हम कोई हाइपर लिंक लगाना चाहते हो मतलब वो लिंक पर क्लिक करें तो वो वीडियो जो हमने उधर लगाई होगी वो नेक्स्ट पेज पर ओपन होकर प्ले हो, तो वो तो अभी हमने काम करना है फ्यूचर में। ओके सर, मैं क्वेश्चन करने का मतलब क्या होता है, मेरी बात सुनिए, क्वेश्चन करने का मतलब क्या होता है कि जो पढ़ा है इसमें से क्वेश्चन करें, ठीक है? जो वो सारे काम हमने करने हैं जो आप पूछ रहे हैं, वो सारे काम हमने करने हैं, वो कोर्स में शामिल है ये सारी चीजें, ये हमने करनी है। पूछने मेरे क्वेश्चन का मतलब होता है कि इसमें आपको समझ आया कुछ, नहीं समझ आया तो वो आप पूछ लें, नहीं तो हम आगे चलते हैं। इस तरह तो मतलब स्टॉप करते जाओगे तो हम सिर्फ एक वीडियो और एक ऑडियो लगाना आज देख लेंगे, बस यही है, ऑडियो लगाई और वीडियो लगाई, ठीक है? वो फ्यूचर में देखेंगे हम सारी चीजें। अगर हम हाँ अगर मैं पढ़ा के HTML गुजर जाऊं फिर आप कहें कि सर वो आपने कहा था वो नहीं पढ़ाया आपने, ठीक है जी? ठीक है सर जी। नेक्स्ट सर क्वेश्चन है जी जी करें सर। जैसे हम वीडियो लगाते हैं HTML के थ्रू तो वो हमारे पेज पे आ जाती है, तो अगर दूसरी लगाए तो वो उसके नीचे आ जाती है, अगर हम चाहें तो क्या अगली मतलब कि उसके बराबर सामने आए तो वो HTML में हो सकता है? तो वो नीचे तो हमारी तो वीडियो नीचे नहीं आई, आप कैसे कह रहे हैं वीडियो नीचे आ गई? ये सर फिर वीडियो का साइज बाय डिफॉल्ट बड़ा होगा, इस वजह से विड्थ कम करें तो फिर हो जाता है। देखिए वीडियो एक इनलाइन एलिमेंट है, जब तक
आपका वीडियो आगे जगह बचेगी, ये आगे आने की कोशिश करेगा। जब आपका वीडियो ही बड़ा होगा, देखिए ये 500 का है पहला वीडियो, मैं इसको 800 का कर देता हूँ, इसका मतलब है आगे आने की जगह नहीं ये छोड़ेगा, देख रहे हो आप, वीडियो आपका नीचे चला गया क्योंकि 800 का आगे आने की जगह नहीं बची, यहाँ पर था बट वो वीडियो बड़ी थी, ये जगह थोड़ी है तो इसलिए नहीं, वरना वीडियो अगर जगह मिलेगी तो एक लाइन में आएगी, ठीक है, अगर जगह उसे मिलती है तो एक लाइन में आती है, नीचे आ गई। अब इसको आगे लेके आना है भाई, इनकी फिर विड्थ तो करनी पड़ती है ना, 50% उसको दे दे, 50 उसको दे दे। तो सर अगर उसको नीचे ले आना है तो फिर ब्रेक करना पड़ेगा, ब्रेक कर दें या वीडियो की विड्थ को बढ़ा दें, ठीक है सर, ओके थैंक यू, विड्थ को बढ़ा दें आप। ये जो अलाइनमेंट है ना, ये हम CSS में मैं आपको करके दिखाऊंगा, पूरा YouTube का जिस तरह होता है ना कि इधर बड़ा फ्रेम आ रहा होता है, इधर छोटी वीडियो चल रही होता है, ऐसा डिजाइन आपको बना के दिखाऊंगा कि ये डिजाइन कैसे बनेगा, कि ये हमारी यहाँ पर सारी वीडियोज आ रही हैं, यहाँ पर एक वीडियो चल रही है, जिस पे क्लिक करूं वो वीडियो यहाँ पर चलना चाहिए, वो सारा मैं आपको करके दिखाऊंगा। जी आगे चलते हैं, ऑडियो को ऐड करते हैं। ऊपर ही ऐड करते हैं। एक्सक्यूज मी सर। जी जी सर, प्लीज वीडियो से पहले ऑडियो लगाइएगा सर, फिर मेरे एक क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। वीडियो को पहले ऑडियो लगा रहा हूं, ये देखिए ऑडियो, ऑडियो को क्लोज कर दिया, ठीक हो गया। ऑडियो में सोर्स, मैंने आपको बताया दोनों तरीकों से लगा सकते, सोर्स लगा दिया हमने, ठीक है। यहां पर ऑडियो का नाम और डॉट MP3 जो इसकी एक्सटेंशन है वो लिखनी है। अब ऑडियो मेरे पास कौन सी है, मैं देख लूं, यहाँ पे गया मैं, ये एक ऑडियो, ये दो ऑडियो मैंने कॉपी कर ली, यहां से कॉपी करके अपने प्रोजेक्ट में ले गया, ऑडियो वन ऑडियो टू कोई एक ऑडियो, इनमें से एक ही ऑडियो आई है, चलिए एक ही कॉपी हुई है, इसको लगाते हैं। मैंने कहा उसका नाम है ऑडियो वन डॉट MP3, क्योंकि वो MP3 है अगर आप देखें तो। स्क्रीन में डिले आ रहा है। अच्छा एक मिनट, जी स्क्रीन नजर आ रही है आपको, ऑडियो वन वाली फाइल सामने पड़ी है हमारे। यस सर आ रही है नजर। यस सर, रिनेम करके कॉपी कर लो इसका नाम। यस सर। एक्सक्यूज मी सर। जी जी सर, अगर ये जो आपने अपना ये फोल्डर बनाया हुआ है, इसमें हम सेपरेट वीडियो का भी फोल्डर बना लें और ऑडियो का भी बना लें, और इसमें यही कहने वाला था आपको यही, बिल्कुल आपने सही बात की है कि ये ऐसे आप समझ लें कि आप खिचड़ी बना रहे हैं, आपको समझ नहीं आएगी, बीच में ही आपकी इमेजेस पड़ी हैं, बीच में ही आपकी ऑडियोज पड़ी हैं, बीच में आपकी वीडियो पड़ी हैं, तो ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म होनी चाहिए, मैनेज्ड फॉर्म होनी चाहिए, फोल्डर्स क्रिएट होने चाहिए, बिल्कुल सही कहा आपने। जस्ट एक ऑडियो को ऐसे ही लगाते हैं, देख लेते हैं ऑडियो लग गया, फिर हम इसको ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में दोबारा से इनके URL चेंज करेंगे, ठीक है, दोबारा से यहाँ पर ये चीज चेंज करेंगे क्योंकि वीडियो तो नहीं आएगा, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पे लगा के दिखाता हूँ ऑडियो, क्या ऑडियो आपका ऊपर आया, ऑडियो आपका नहीं आया। अब ऑडियो को हम देते हैं कंट्रोल्स, ये ऑडियो को दिया हमने कंट्रोल्स, आप ऑडियो यहां पर आ जाएगा, क्योंकि वीडियो ऑडियो इनलाइन एलिमेंट है इसलिए एक लाइन में आ गए, इसलिए एक लाइन में ही आ गए हैं, इनलाइन एलिमेंट है ये आपका ऑडियो, देखिए सर ऊपर जगह थी नहीं, फिर नीचे क्यों आया जी, सर ऊपर भी तो जगह थी ना, फिर ये ऑडियो जो है ये नीचे क्यों आया, कब के इनलाइन है ना, वीडियो के मुताबिक आया है ना ये वीडियो, ये यहाँ पर आएगा वीडियो के मुताबिक, यहाँ ऊपर वीडियो इतनी लंबी है, वीडियो इतनी लंबी है आपकी, ऊपर है वीडियो तो इसकी वजह से सर, अगर लाइन ब्रेक करें तो आ जाएगा नीचे, वीडियो नीचे आ जाएगी अगर लाइन ब्रेक करें, BR कर दें जब तक, उस वक्त तक ब्रेक कर दें जब तक आपका वीडियो नीचे नहीं आता, BR करें वीडियो नीचे, ठीक है, और ज्यादा कर दें, और ज्यादा कर दें ताकि जरा दूर हो जाए आपका वीडियो, ठीक है, इस तरह ये आपका आ जाएगा, अब हो गया ना। यस सर। अच्छा अब इसको जरा ऑटो प्ले करें, इस ऑडियो को ऑटो प्ले करें,
ऑटो प्ले करें इस ऑडियो को, और ये आपका ऑटो प्ले नहीं हुआ, ये क्यों नहीं हुआ? क्रोम है, गूगल म्यूट नहीं है, म्यूट कर दें इसको, म्यूटेड कर दिया मैंने, म्यूटेड किया, स्क्रीन डिले हो रहा है, वो एक जगह पे स्टक हो रहा है अभी, सबके साथ हो रहा है क्या सर? जी सर ऐसे ही हो रहा है, स्क्रीन में डिले हो रहा है, डिले हो रही है, यस सर डिले हो रहा है, यस सर डिले आ रहा है सर, इतना नहीं आ रहा बस चीज। अच्छा चले चले चले, स्ट्रेटजी है मेरे पास, मैं काम पहले करूंगा बोलूंगा बाद में, फिर डिले आपका खत्म हो जाएगा। अच्छा अच्छा सर, आपने कंट्रोल बाद में लिखा है इसलिए नहीं ऑटो प्ले हो रहा। नहीं नहीं नहीं, वो कोई इशू नहीं है, वो कोई क्रोम नहीं अलाउ करता ऑटो प्ले करने। अच्छा ये आपका ऑडियो था, ऑडियो में तकरीबन यही चीजें आप लगाते हैं, ऑटो प्ले लगाया, कंट्रोल्स लगाया, इसमें लूप लगा सकते हो आप, कि आपका एंड पे मैं ले आया फिर चल। ये लूप एंड पे आएगा फिर चलेगा खुद ही। सर स्क्रीन में बहुत ज्यादा डिले आ रहा है सर, आप इसको देख लें सर। वॉइस भी नहीं क्लियर आ रहा, सर ये अभी वॉइस आपकी क्लियर आ रहा है, लेकिन सर आपकी स्क्रीन का जो है ना वो बहुत ज्यादा डिले आ रहा है सर, वॉइस तो ठीक आ रही है लेकिन ये क्लियर नहीं आ रहा। अब मौसम की खराबी को मैं कैसे कैरी करूं, कि मतलब इंटरनेट का इशू जो है ना बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा। सर नमाज ब्रेक कर दें, असर की नमाज पढ़ते हैं। अच्छा वीडियो और ऑडियो दो चीजें हमने लगा ली हैं, फिर इसके बाद असर की नमाज पढ़ते हैं, उसके बाद फिर आते हैं। ये लूप से जी जी करें क्वेश्चन। जी क्या कह रहे हैं आप? सर मैं कह रहा हूँ कि इमेज रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दें सर, बेशक ये